हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पटना लाइट। आज जो है जेई मेंस का दूसरे दिन का पेपर है और छात्रों की एंट्री हो चुकी है और 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग था। यहाँ पे पटना में इस बार का जो सेंटर है बहुत ही इधर उधर दिया गया है, तो जिस भी कैंडिडेट्स को सेंटर खोजने में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं, उन पेरेंट्स से भी बातें करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने भाई? भैया देखिए, दो फोटो रहना चाहिए, एक आधार कार्ड रहना चाहिए कोई प्रूफ के लिए, या तो 10th का मार्कशीट या फिर आधार कार्ड, दोनों में से एक पेन होना चाहिए और बस एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, यही तीन जरूरी चीज़ है। पेन अलाउ है अंदर ले जाना? हाँ, एक पेन ले जाना अलाउ है। और वाटर बॉटल वगैरह? वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब इधर से दिखे पूरा, वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। कहाँ से एग्ज़ाम देने आप? हम तो यहीं रहते थे, मगर घर मधुबनी है। कहाँ से तैयारी चली हुई है आपकी? तैयारी कहाँ से हुई है आपकी? पटना से ही हुआ तैयारी। कौन से कोचिंग से? इंडिविजुअल करते थे तीनों। मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, थैंक यू, गुड लक। कुछ पेरेंट्स से ही बात कर लेते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? सर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से? कौन है, बच्चा है बच्ची है आपकी? बच्चा है। बच्चा है, कहाँ पढ़ता था सर वो? यहाँ ये BMC में। BMC विद्या मंदिर क्लास जी। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट सर ले जाने पड़ रहे हैं? एडमिट कार्ड है और एक ID प्रूफ और फोटो। उसके अलावा पेन वगैरह? पेन अलाउड है। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं। कितने फोटोग्राफ्स लग रहे हैं सर? दो गो फोटोग्राफ। और डॉक्यूमेंट्स में? आधार कार्ड आती, आधार कार्ड ही चाहिए। आधार कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा? चलेगा, आधार कार्ड के भी होती, पैन उन रहेगा, चाहे स्कूल का भी होती, अगर नहीं है आधार कार्ड तब। अच्छा, हाँ, तो एक वैलिड प्रूफ ID आपको बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, जैसे कि आप आधार कार्ड, अगर किसी का पैन कार्ड है, अगर वो भी चीज़ें नहीं है तो हर एक स्टूडेंट्स के पास में 10वीं क्लास का मार्कशीट हो सकता है या फिर कोई सर्टिफिकेट हो सकता है 10वीं क्लास का, जो कि एक वैलिड ID प्रूफ की तरह है। सो उसे ब्रिंग करना है एग्जामिनेशन सेंटर्स में। और हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है तो आपको एग्जैक्ट 8:30 तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर जाने हैं। अगर आप एक भी मिनट की देरी करते हैं तो आपको अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सो आगे जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, आने वाले दिनों में जितने भी परीक्षा, संभवतः 1 तारीख तक परीक्षा, 1 फरवरी तक परीक्षा, तो जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे वो अगर पहले शिफ्ट का पेपर है तो 8:30 बजे तक आ करके अपना एंट्री ले लें। और दूसरे पाली में अगर परीक्षा है तो उनका टाइमिंग है कि आपको 2:30 तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर जाना है। आपकी थोड़ी सी चूक अगर होती है, अगर आप एक मिनट भी लेट होते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा अंदर जाने का। सो बी अवेयर, टाइमली पहुँचे। और सारे कैंडिडेट्स को हमारे तरफ से गुड लक।